किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, किताबें करती हैं बातें के तहत हम आपको सुनवा रहे हैं पुस्तक कौन देशभक्त कौन देशद्रोही, इतिहास के मिथ्याकरण के विरुद्ध। इस किताब को प्रकाशित किया है संगठन नौजवान भारत सभा ने। किताब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS और भाजपा की समूची विचारधारा को कटघरे में खड़ा करती है। पुस्तक में कही गई बातें संगठन के अपने विचार है, तथ्य और संदर्भ भी वही है जो पुस्तक में दिए गए हैं। सुनिए इस पुस्तक की 7वीं और अंतिम कड़ी। RSS भाजपा के विकास का सच। इस देश के लोगों ने 2014 के लोकसभा चुनावों में मोदी कुनबे को विकास की रट लगाते सुना था। काले धन से हर एक नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए देने का वादा किया गया था। आतंकवाद की समस्या को पलक झपकते हल कर लेने की बात कही गई थी। हर एक युवा को रोजगार देने का वादा किया गया था। मोदी सबसे कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, ठीक उसी तरह जिस तरह हिटलर कहता था गुड टाइम विल कम। लेकिन देश की जनता से वोट लेने के बाद इस विकास पुरुष के बारे में यहाँ तक चुटकुला चला कि विकास के पापा खो गए हैं, क्योंकि मोदी फिर देश में कम विदेशों में अधिक रहने लगे। आखिर क्या करने जाते हैं मोदी विदेशों में? वहां जाकर मोदी कहते हैं कि हे पूंजीपतियों, आप हमारे यहाँ पूंजी लगाओ, हमारे देश के संसाधनों और गरीब जनता के सस्ते श्रम को लूटो और अपनी तिजोरियां भरो। इसी को नाम दिया गया मेक इन इंडिया, अर्थात भारत में बनाओ और मुनाफा कमाओ। महंगाई का आलम यह है कि दाल जो कि 70 रुपए किलो बिक रही थी, इस विकास पुरुष के आते ही 200 रुपए किलो तक बिकी और फिर वापस आज भी 160 रुपए किलो बिक रही है। प्याज जो कभी अटल सरकार के समय अनार हो गई थी, नए भगवा प्रधानमंत्री के समय इसने फिर अपने तेवर बदले और महंगी हुई। देश की जनता को रोजगार देने के वायदे का हाल ये है कि लोग आज भी पहले से अधिक बेरोजगारी और मंदी की मार झेल रहे हैं। मजदूरों के रहे सहे श्रम कानूनों को और भी ढीला किया जा रहा है और स्किल इंडिया के नाम पर वहाँ श्रम कानूनों को ही खत्म कर दिया गया है। शिक्षा के नाम पर आलम यह है कि विद्यार्थियों और शोधार्थियों को मिलने वाला वजीफा खत्म किया जा रहा है। पिछले साल कुल शिक्षा बजट में लगभग 17% की कटौती की गई, तो अब की बार उच्च शिक्षा में 55% बजट कटौती की गई। सरकारी शिक्षा को जिस तरह से बर्बाद कर प्राइवेट शिक्षा को यह सरकार बढ़ावा दे रही है। आने वाले दिनों में आम गरीब आबादी की बात छोड़ दीजिए, जो लोग सोचते थे कि उनके बच्चे तो पैसे के बल पर पढ़ ही लेंगे, ऐसी खाती पीती मध्यवर्गीय आबादी भी अब सुनहरे सपने देखना बंद कर दे। अब तक तो गरीब किसान और मजदूर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते थे, लेकिन मोदी सरकार के विकास के समय हीरा और गहनों के व्यापारी भी अपने धंधों के ऊपर मंडरा रहे खतरों के कारण सड़कों पर हड़ताल करने के लिए उतर गए हैं। जिन छोटे व्यापारियों और कारोबारियों की पार्टी भाजपा मानी जाती थी और जिन्होंने लगातार सत्ता में इसको पहुंचाने के लिए काम भी किया, सत्ता में आने के पहले इसी संघ भाजपा का नारा होता था खुदरा व्यापार में FDI नहीं चलेगा। आज मोदी सरकार ने खुदरा व्यापार के एक क्षेत्र में 100% FDI लागू कर दिया है। यही नहीं, देश की सुरक्षा और राष्ट्रवाद के लिए हुंकार भरने वाली इस सरकार ने तो सेना में भी 49% तक FDI को मंजूरी दी है। इनकी बेशर्मी की हद तो तब देखिए जब काले धन पर हर एक नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए के इनके चुनावी वायदे की बात इनसे की गई, तब अमित शाह ने उसे चुनावी जुमला कह दिया। स्वयं इनके गुरु गोलवलकर इनको सिखाते रहे हैं कि अगर कोई स्वयंसेवक राजनीति में जाता है तो वो वहाँ संघ के एजेंडे को ही लागू करे। इनके लिए राजनीति जनसेवा नहीं बल्कि संघ के कट्टर हिंदू राष्ट्र के अभियान का एक अंग है, जहाँ एक नौटंकी के नट की तरह इनको नाटक करना होता है। 5 मार्च 1960 को इंदौर में RSS के विभागीय व उच्च स्तरीय कार्यकर्ताओं के एक अखिल भारतीय सम्मेलन में दार्शनिक गोलवलकर यानी गुरुजी ने कहा कि हमें ये भी मालूम है कि अपने कुछ स्वयंसेवक राजनीति में काम करते हैं। वहाँ उन्हें उस कार्य की आवश्यकताओं के अनुरूप जलसे जुलूस आदि करने पड़ते हैं, नारे लगाने होते हैं। इन सब बातों का हमारे काम में कोई स्थान नहीं है, परंतु नाटक के पात्र के समान जो भूमिका ली उसका योग्यता से निर्वाह तो करना ही चाहिए। पर इस नट की भूमिका से आगे बढ़कर काम करते करते कभी कभी लोगों के मन में उसका अभिनिवेश यानी मोह उत्पन्न हो जाता है।
यहाँ तक कि फिर इस कार्य में आने के लिए वे अपात्र सिद्ध हो जाते हैं। ये तो ठीक नहीं है। अतः हमें अपने संयम पूर्ण कार्य की दृढ़ता का भली भांति ध्यान रखना होगा। आवश्यकता हुई तो हम आकाश तक भी उछल कूद कर सकते हैं, परंतु दक्ष दिया तो दक्ष में ही खड़े होंगे। स्रोत MS गोलवलकर, श्री गुरुजी समग्र दर्शन, भारतीय विचार साधना, नागपुर, खंड 4, पृष्ठ 4-5। पिछले 2 सालों में जनता का नाम लेकर, विकास का नाम लेकर इन नौटंकी बाजों ने यही काम किया है। जनता को लूटो और बर्बाद करो और पूंजीपतियों को पूजो और आबाद करो। आज भारत की गरीब मेहनतकश जनता को तो ये समझना ही होगा, लेकिन छोटे दुकानदारों और मध्य वर्ग के खाते पीते हिस्से को भी ये समझ लेना चाहिए कि संघ भाजपा शासन गरीबों की जिंदगी को तो तबाह करेगा ही, लेकिन जिस तरह से आज के वैश्विक पूंजी के युग में ये बड़े उद्योगपतियों के साथ खड़े हैं, उसमें छोटे दुकानदारों को उजाड़ना उनकी नियति है। मध्य वर्ग का एक बड़ा हिस्सा इस उन्मादी संघ भाजपा के राज में बेरोजगारी, अशिक्षा और हत्याओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं पाएगा। दंगों का हमला और संघी हमलावरों से उनके भी बेटे बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। अब ये तय करने का वक्त है कि आप देश को संघ के उन्माद और दंगों के लिए छोड़ देंगे, या अपनी सोई हुई चेतना को जगाकर बराबरी, न्यायबोध और इतिहास बोध से लैस एक समता मूलक समाज, जिसका सपना शहीद भगत सिंह और उनके साथियों ने देखा था, को बनाने के लिए आगे आएंगे। इस विनाश के खिलाफ खड़े हों। भाजपा के शासनकाल में जिस विकास की बात की जा रही है, वो गरीबों की हड्डियों और लाशों पर खड़ा पूंजीपतियों का विकास है। इसकी कीमत देश का हर एक व्यक्ति चुका रहा है, जो टाटा, बिरला, अंबानियों और अदानियों की जमात से नहीं है। दिल पर हाथ रखकर कहिए, क्या आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया है? क्या इस देश की आम जनता को चिकित्सा और रोजगार की गारंटी है? नहीं। इतना ही नहीं, ये जो माहौल में जहर भरा जा रहा है, वो कब किसे दंगों का शिकार बना दे कहा नहीं जा सकता। देश की आवाम को कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुसलमान के नाम पर, कभी गाय के नाम पर, कभी लफ्ज जिहाद के नाम पर बांटकर ये कौन सा विकास लाना चाहते हैं, ये स्पष्ट है। क्या आपको याद नहीं है कि शहीद भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने उन तमाम ताकतों से सावधान रहने के लिए कहा था जो लोगों को धर्म के नाम पर बांटकर पूंजीपतियों की सेवा में जुटी है? क्या हम नहीं जानते कि शासन करने की अंग्रेजों की यही नीति थी कि बांटो और राज करो? क्या ये देश गुजरात और मुजफ्फरनगर जैसे दंगे नहीं देख चुका है? आखिर क्या कारण है कि हम अपनी नंगी आंखों की सच्चाई को देखना नहीं चाहते? क्या कारण है कि हम अपने हर एक इतिहास को भूलकर अपनी बर्बादी के कारवां में शरीक हो जाते हैं? क्या कारण है कि हमें हर 5 साल में कोई झूठे वायदे करके हमसे ही हमें लूटने का लाइसेंस ले जाता है? आखिर क्यों, जबकि हम सब कुछ पैदा करते हैं तो हम ही सबसे खराब जिंदगी जीने के लिए अभिशप्त हैं? आखिर क्यों हम अपने शहीदों के सपनों को भूल गए हैं? क्या कारण है कि हम ये भूल गए हैं कि एक हिंदू, एक मुसलमान या एक सिख या ईसाई होने के पहले हम एक इंसान हैं? क्या हमारी दिक्कतें साझा नहीं हैं? क्या हम सब महंगाई, बेरोजगारी, आवास, शिक्षा, चिकित्सा की साझा परेशानियों से त्रस्त नहीं हैं? और ये जानते हुए कि इन परेशानियों का कारण मौजूदा व्यवस्था और उनके संघी भाजपाई सेवकों की सत्ता है, हम कब तक इनके बहकावे में आकर आपस में बटे रहेंगे? क्या हमें इतना तक नहीं पता कि भूख, कुपोषण और गरीबी की मार हर गरीब पर एक जैसी पड़ती है? क्या हम भगत सिंह के इस आह्वान को भूल गए जो उन्होंने नौजवानों को संबोधित करते हुए कहा था कि भारतीय रिपब्लिक के नौजवानों, नहीं सिपाहियों, कतारबद्ध हो जाओ, आराम के साथ न खड़े रहो और न ही निरर्थक कदम ताल किए जाओ। लंबी दरिद्रता जो तुम्हें नकारा कर रही है, सदा के लिए उतार फेंको। तुम्हारा बहुत ही नेक मिशन है, देश के हर कोने और हर दिशा में बिखर जाओ और भावी क्रांति के लिए, जिसका आना निश्चित है, लोगों को तैयार करो। फर्ज की बिगुल की आवाज सुनो, ऐसे ही खाली जिंदगी न गवाओ। स्रोत भगत सिंह और उनके साथियों के उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेज, संपादक सत्यम, पृष्ठ 14। हमें अभी से उठ खड़ा होना होगा भगत सिंह के सपनों को साकार करने के लिए। इन फांसीवादी भेड़ियों से लड़ने के लिए तैयार होना होगा, नहीं तो बहुत ही पछताना पड़ेगा। हिटलर के शासनकाल के एक कवि और फांसीवाद विरोधी कार्यकर्ता पास्टर निमोलर की एक कविता है, पहले वे आए कम्युनिस्टों के लिए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर वे आए ट्रेड यूनियन वालों के लिए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था। फिर वे आए यहूदियों के लिए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर वे मेरे लिए आए और तब तक कोई नहीं बचा था जो मेरे लिए बोलता।
क्या एक बार जब फिर वही हिटलरी नापाक मंसूबों को लेकर संघ भाजपा हमारे समाज के पोर पोर में नफरत भरकर इसे आग के लपटों में झोंक देना चाहते हैं, तो हम उठ खड़े नहीं होंगे? क्या हमारे दिमागों को पूर्वाग्रह का दीमक इतना लग चुका है कि हम हत्याओं पर जश्न मनाएंगे? हमारा मानना है कि अपना देश अभी भी ऐसे नौजवान युवक युवतियों और इंसाफ के लिए खड़े होने वाले दिलों से खाली नहीं हुआ है। ये उठ खड़े होने का वक्त है। ये फैसला कुन समय है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर फासीवादी शक्तियों के खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूंक दें। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने 20 मार्च 1931 को पंजाब के गवर्नर को लिखे पत्र में कहा था, हम ये कहना चाहते हैं कि युद्ध छिड़ा हुआ है और ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक कि शक्तिशाली व्यक्तियों ने भारतीय जनता और श्रमिकों की आय के साधनों पर अपना एकाधिकार कर रखा है। चाहे ऐसे व्यक्ति अंग्रेज पूंजीपति हों या सर्वथा भारतीय हों, उन्होंने आपस में मिलकर एक लूट जारी कर रखी है। चाहे शुद्ध भारतीय पूंजीपतियों के द्वारा ही निर्धनों का खून चूसा जा रहा हो, तो भी इस स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता। निकट भविष्य में अंतिम युद्ध लड़ा जाएगा और ये युद्ध निर्णायक होगा। स्रोत: भगत सिंह और उनके साथियों के उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेज। संपादक: सत्यम। पृष्ठ 497-498। आज हमारे समय में भी आम जनता के शोषण की यही स्थिति है कि भारतीय पूंजीपति और विदेशी पूंजी भारत की जनता पर एक लूट जारी रखे हुए है। आज हमारे समय में ये युद्ध संघ भाजपा के फासीवादी दौर में पूंजी की निर्मम लूट के खिलाफ फासीवादी शक्तियों और जनता के सच्चे जनवाद के बीच लड़ा जाना है। संघ के हिटलरी मंसूबों और गरीबों के बेटे बेटियों के द्वारा जनता के हित में लड़ा जाना है। हम न तो तमाशाई बन सकते हैं और ना इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि तमाशाई बनने पर अगली बारी आपकी होगी और अब इंतजार हमारा खुद ही दुश्मन बन जाएगा। क्रांतिकारी अभिवादन। फासीवादी संघ के खिलाफ जनता का संघर्ष जिंदाबाद। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे पुस्तक कौन देशभक्त कौन देशद्रोही की ऑडियो रिकॉर्डिंग की 7वीं और अंतिम कड़ी। इस पुस्तक को प्रकाशित किया है संगठन नौजवान भारत सभा ने। अगर आप ये पुस्तक मंगाना चाहते हैं तो वेबसाइट janchetnabooks.org पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। सहकार रेडियो के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। हमारे बारे में अधिक जानने के लिए हमारी वेबसाइट sahakarradio.com देखें। फिलहाल दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।